Hi respected ESMs, thanks for watching previous videos and like, share and subscribe given. Expecting the same thing in future videos also. Hi. Last video में हमने CSB online registration कैसे करना है वो बताया था. इस video में online purchase करना है वो कैसे क्या क्या करना है वो step by step बताता हूँ. उससे पहले CSB site में अभी एक latest updation आया हुआ है. ये 1 फरवरी 2021 से वो लागू है कि पहले जो भी ऑनलाइन पोर्टल होने से पहले जो भी हम सीएसडी का एफडी का एफडी आइटम्स लेते हैं तो रेस्पेक्टिव डिपोर्ट का बैंक अकाउंट में करते हैं. जैसे अभी ऑनलाइन कर दिया अभी से 1 फरवरी 2021 से आर पेमेंट इंक्लूडिंग यूजिंग पेमेंट गेटवे और ऑफलाइन ऑनलाइन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर अदर पेमेंट ऑप्शन फॉर एफडी परचेस जो भी है CSD हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में वो जो अभी डिस्प्ले हो रहा है वही है. बैंक अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट नेम बैंक नेम एंड ब्रांच IFSC कोड सब कुछ दिखाया हुआ है उसी में परचेस करना है उसमें ट्रांसफर करना है जो भी ट्रांजेक्शन मोड आप जो भी यूज करो. पहले जो अकाउंट ऑफ डिपोर्ट में करता है वो अभी लागू नहीं है. तो इसके ये लिंक साइट का न्यूज़ एंड अपडेट्स में मिल जाएगा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. तो अभी चलता है कैसे ऑनलाइन परचेस करना है. तो साइट fd.csdindia.gov.in है जिसमें हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है. बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन एडमिन ने अप्रूव किया होगा. अभी सर्विस वालों का तो बहुत जल्दी हो रहा है एक सर्विस मैन का थोड़ा डिले है किसी किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए डिले है. तो जो भी है जिसका भी रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है तो ये साइट का न्यूज एंड अपडेट में जाके फोन नंबर CMA ID वगैरह दिया हुआ है उसमें क्वेरी करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. ठीक है तो मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था मेरा तो अब हो गया. तो अभी कैसे आइटम लेना है उसके लिए देखते हैं. तो ये साइट में जाने का साइट में जाने के बाद जो हमने रजिस्ट्रेशन किया सेम ही है. मैं शॉप नाउ में क्लिक करने का शॉप नाउ में क्लिक करने का तो जो लॉग इन पेज आ जाएगा उसमें यूजर नेम पासवर्ड जो हमने रजिस्ट्रेशन का टाइम में डाला है वो डालने का उसके बाद लॉग इन क्लिक करने का तो सेम पेज रिलोड हो जाएगा OTP वेरिफिकेशन के लिए. जो हमने पहले जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें एक OTP आ जाएगा. OTP वेरिफिकेशन में करो वैलिडेट कर दो तो वैलिडेट जैसे करते ही ऐसे एक पेज मिल जाएगा उसमें आपको जो सर्च का बटन दिखाया हुआ है उधर आप आइटम्स का नेम डाल के सर्च कर सकते हैं. तो फिल्टर ऑप्शन भी बहुत कुछ दिया है शॉर्ट करने के लिए दिया है मैं. तो यह सब करके आपको जो आइटम चाहिए वो आइटम सेलेक्ट करने का. मैं अभी कार का एक एग्जाम्पल लेके करते हैं. तो जो भी ये जो मारुति ब्रेजा का है उसका एग्जाम्पल लेके आता है जो जिसका आपने सेलेक्ट किया है उसके पास जाके व्यू कर्सर लेके गया तो व्यू करके आ जाएगा उसको व्यू क्लिक करने का. जैसे भी व्यू क्लिक करते ही उसका फुल डिटेल्स आपको आ जाएगा ऐसा एक विंडो मिल जाएगा. इसमें आपको कलर जो भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइस काउंट वो सेलेक्ट शॉप क्योंकि अलग अलग शॉप में अलग अलग प्राइस होता है जो टैक्स का है वो. उसके बाद आप डीलर को सेलेक्ट कर सकते हैं डिपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं URC सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक डिपोर्ट के अंदर अलग अलग URC होगा जहाँ से आपको आइटम लेना है वो कर सकते हैं. तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको अभी व्यू डीलर क्या कौन कौन है देखना है तो ये व्यू डीलर लिखा है उधर क्लिक कर सकते हैं. तो व्यू ERC लिखा है उधर क्लिक कर सकते हैं क्योंकि आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट में नियर बाई कौन सा है उसमें से देख सकते हैं. उसके बाद में आप चेकआउट क्लिक करना तो जो अपने व्यू डीलर का प्रेस करेगा तो आपको इस टाइप का एक विंडो मिल जाता है उसमें डीलर्स का फुल डिटेल्स मिल जाता है. और URC में जो जिस इधर है क्लिक करेगा URC डिटेल में URC की डिटेल पूरा क्लिक हो जाएगा. तो आपको जो जो सही लग रहा है उसी जगह का आपको क्लिक करके चेकआउट करके क्लिक करना है. तो जैसे चेकआउट क्लिक करते ही पेमेंट ऑप्शन में चला जाएगा. तो जैसे चेकआउट करने से पहले सेलेक्टेड एंटिटी नहीं है अभी आपने जो प्राइस लिस्ट जिस कार को भी सेलेक्ट किया है तो आप एंटिटी नहीं है तो इस टाइप का एक अलर्ट मिल जाएगा एरर मिल जाएगा. तो आप सबको पता है ऑफिसर्स के लिए ये पे लेवल 10 to 18 JCO पे लेवल 7 to 9 जो अपना रैंक के अनुसार जो भी है वो सेलेक्ट कर लेगा तो ये एरर नहीं आएगा. नहीं तो दूसरे एक और एरर हो सकता है आपको 5 साल नहीं हुआ है तो यू आर नॉट एंटिटी टू परचेज ए कार यू आर नॉट कम्प्लीटेड 5 ईयर करके
ऑफ सर्विस करके भी एरर आ सकता है। ये दोनों है नहीं है तो फिर जब चेकआउट में आप पेमेंट डिटेल्स में जा सकते हैं, तो यू विल बी डायरेक्टेड टू चेकआउट पेज। दिस पेज हैज थ्री सेक्शन, तो चेकआउट क्लिक करने के बाद पेज में थ्री सेक्शन होता है। एक है प्रीफिल्ड सेक्शन है, ये जिस अभी जो डिस्प्ले है उस टाइप का एक प्रीफिल्ड सेक्शन आएगा, जो ये सब डाटा हमने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला है तो उसमें हमको कुछ करने का नहीं है, वहाँ इट इज है वो हम नहीं है। तो नेक्स्ट सेक्शन में है, उसमें सेक्शन बी है, येट टू बी फिल्ड सेक्शन, यूजर वी हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वेस्ट डाटा, नाउ सर्विंग डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड अंटिल स्पेसिफाइड। जो भी सर्विंग डॉक्यूमेंट जो जो इसमें बोला है वही डालना है, अकॉर्डिंग टू उसका ओपन फाइल में क्लिक करके जो आपने फोटो खींच के रखा है उसको अपलोड करते रहने का, जो जितना बोला है उतना ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, बट वही डाटा करने का। अभी पीपीओ जहाँ पूछा है, डिस्चार्ज बुक पूछा है, तो उसके जगह में वही डालने का, और ज़्यादा कुछ डालने का नहीं, कम भी नहीं डालने का। और एडिशनल कुछ रिमार्क्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन थ्री है, पेमेंट डिटेल समरी। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट प्राइस जोन यू चूज टैक्स क्लासेस। टैक्स क्लास सेलेक्ट करने के टाइम में आपका स्टेट के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल है दिल्ली रीजन टैक्स क्लास 80, तो बाकी रेस्पेक्टिव स्टेट का एक क्लास आपको उसमें मिल जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपका प्राइस, डीलर ने जो प्राइस दिया है वो टैक्स करके सेम आ जाएगा। वंस अकाउंट फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, बैंकिंग डिटेल्स विल बी डिस्प्लेड, यूजर विल मेक द पेमेंट एंड अपलोड द रिसिप्ट एंड डिटेल अंडर द डिमांड टैब। तो आपको उसमें पेमेंट ऑप्शन दो टाइप का है, एक है डायरेक्ट ट्रांसफर प्रोसीजर, उसमें बैंक अकाउंट में जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ मैंने बोला है उसी में ट्रांसफर करने का। उसमें ट्रांसफर करने के बाद इस साइट में आके उसमें डिमांड डायरेक्ट ट्रांसफर, डिमांड ट्रांसफर करने के बाद डिमांड टैब में आके आप उसका डिटेल्स भर सकते हैं। उसमें क्लिक है, अपलोड करने के लिए ऑप्शन है, ये जो मार्किंग किया हुआ है राउंड में, हमें क्लिक करके आप कर सकते हैं। नहीं है तो आपको ऑनलाइन करना है तो उनके ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नहीं है आपके पास लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो उसके लिए भी, इनकेस ऑफ लोन मेक श्योर टू एंटर द अमाउंट करेक्टली, अदरवाइज एन अलर्ट विल बी जनरेटेड। लोन के जगह में देख रहे हैं लोन अमाउंट प्लस अमाउंट ट्रांसफर, कि आपने डायरेक्ट ट्रांसफर किया है और लोन अमाउंट, लोन का बैंक जिसने जितना भी ट्रांसफर किया है वो सब एड करके टोटल अमाउंट सेम होना चाहिए। इसी जगह में मेरे पुराना वीडियो देखे एक दोस्त कॉल किया था, उसको प्रॉब्लम आ रहा है करके, क्योंकि उसको जीरो पेमेंट था, तो जो उसका डायरेक्ट ट्रांसफर के जगह में पैसा डालने के लिए है नहीं है ऐसे बोला था उसने, तो नंबर वगैरह को मैंने दिया था कॉल करके, देख लो करके हो गया तो बता दूंगा बोला था, अभी तक कुछ रिप्लाई आया नहीं, मैंने मैसेज भी किया तो दोस्त देख रहे हो तो बता दिया कमेंट सेक्शन में इसका कैसे सॉल्व हो गया बता दिया, तो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। ये लोन वालों के लिए ये है, जितने बैंक का जो बैंक से डिटेल्स मिल जाएगा, जितना भर दिया है वो डाल दो और आपने जितना भर दिया है वो डाल दो, उसके बाद सबमिट कर दो। तो आपने डायरेक्ट ट्रांसफर का बता दिया, लोन सेक्शन बता दिया, अभी है ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ईएमआई बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये चार ऑप्शन है, अलग अलग बैंक का कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई वाला ऑप्शन कर सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है थ्रू पेमेंट गेटवे ऑनलाइन पेमेंट। दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इफ लोन इज नॉट अवेलेबल, लोन नहीं है तो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि फुल पेमेंट आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफर करना है। इन दिस मेथड मतलब नो रिसिप्ट हैव टू बी अपलोड, जो पहले बोला था हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया तो आपको रिसिप्ट अपलोड करना पड़ता था, इसमें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। वंस द फॉर्म इज सबमिटेड अ पॉपअप फॉर्म विल कम अप, एंटर द डिटेल्स एंड प्रोसीजर। आपने जो ऑनलाइन प्रोसीजर कर दिया, जो जैसे भी हमने बाकी इसमें करता है कर दिया, तो एक आ जाएगा पॉपअप विंडो आ जाएगा, उसमें आपको ईमेल आईडी वगैरह पूछता है वो डाल दो, सबमिट कर दो, तो आपका एक्शन हो जाएगा। आपको फिर साइट में जाके आपका स्टेटस दे सकता है साइट में, इन केस ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर डिमांड विल बी सबमिटेड टू द रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर अपलोडिंग द पेमेंट डिटेल। नहीं डायरेक्ट ट्रांसफर किया होता तो आपका डिमांड विल बी सबमिटेड टू रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर अपलोडिंग पेमेंट डिटेल, पेमेंट डिटेल करने के बाद करता है, बट आपने पेमेंट गेटवे से कर रहे हैं
demand will be subject to deport automatically after successful payment. Users can monitor the status of the order under menu demand time. जो demand time में हमने receipt वगैरह update किया है उसी demand time में आप status भी देख सकते हैं, ऐसा status करके आएगा. क्या क्या status है कि एक on hold आएगा, payment receipt need to be uploaded. क्योंकि आपने सब कुछ कर दिया भाई, बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, समय में आपको ऑन होल्ड आएगा. जैसे आपने पेमेंट डिटेल्स अपलोड कर देगा तो ऑन होल्ड चेंज हो जाएगा. कुछ पेंडिंग है तो पेंडिंग आएगा, पेमेंट पेंडिंग, पेंडिंग ऑन डिपोर्ट, पेंडिंग विद यूआरसी, प्रोसीजर हैज बीन बीन, प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड बाय द डीलर, ये सब एक एक स्टेटस आ जाएगा. ये देख लो अकॉर्डिंग टू आपको आइटम डिलीवरी हो जाएगा. इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सब लोग तो आजकल करते हैं. तो ये तो अभी नया आया है, सिस्टम आ गया तो इसलिए थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम तो रहेगा अगले सोने से तक, बट अच्छा है, लग रहा है. कार है, बाइक ले सकते हैं हम, एवरी आइटम जो भी है ऐसे ही ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज. तो इतना ही इसके लिए, इतना ही है. लेकिन ये अभी तक जो बोला है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, जैसे ही हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये तीन पॉइंट जो बोल रहा है कुछ प्रॉब्लम्स का, ये थोड़ा सा ध्यान देने का. प्लीज टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग. ए, द डीलर प्राइस एंड नेट प्राइस टू बी पेड शुड बी एक्जैक्टली सेम, अदरवाइज एन अलर्ट विल बी जनरेटेड प्रिवेंटिंग जनरेशन ऑफ डिमांड. जो डीलर से पहले हमको लेना पड़ता है प्राइस, वो प्राइस और नेट प्राइस जो आपने टैक्स वगैरह डालने के बाद डाला है एक्जैक्टली होना चाहिए, नहीं तो एक एरर आ जाएगा. दूसरा, यूजर्स कैन ओनली बाय ए प्रोडक्ट वंस इन ए स्पेसिफाइड पीरियड. तो जो नॉर्मली है, फॉर एग्जांपल कार कैन ओनली बी बॉट वंस इन 5 years बाय वन ऑफिसर, आल्सो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर दिस स्पेसिफाइड टाइम है. तीसरा पॉइंट है, इफ यूजर्स हैव ऑप्टेड फॉर ए लोन इन चेकआउट फॉर्म, देन लोन अमाउंट विल हैव टू बी मेंशन एंड सैंक्शन लेटर विल आल्सो हैव टू बी अपलोड. नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा और सैंक्शन लेटर भी करना पड़ेगा. ये तीन पॉइंट दोनों ध्यान रहने का, ठीक है. तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत. ओके, वंस अगेन बाय, टेक केयर, गुड बाय.